हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये खबर यूपी बोर्ड के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका पिछले दिनों कोविड की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसके बाद रिजल्ट प्रिपरेशन को लेकर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया और रिजल्ट भी उनका बन के तैयार हो गया है। इन सब के बाद भी छात्रों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इस बार उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ और उनको रोल नंबर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे, ये उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो बिना रोल नंबर के अपना रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि छात्र अपना बिना रोल नंबर के रिजल्ट कैसे देख पाएंगे। रिजल्ट देखने के सर्वप्रथम उनको अपने स्कूल या कॉलेज जहाँ पर वो पढ़ते हैं वहाँ जाना होगा और अपने क्लास टीचर से मिलकर उनको इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उस नंबर को सबमिट करके छात्र अपना बड़े ही आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे। और दूसरी खबर ये है कि आप जानते हैं इस बार क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा, तो जो वेबसाइट है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होगा जिसकी वजह से सर्वर प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सब को देखते हुए एक और अच्छी खबर है कि इस बार रिजल्ट एक वेबसाइट पर जारी ना होकर दो और अतिरिक्त वेबसाइट पर जारी की जाएगी। साथ शिक्षा मंत्री ने एक और ऐलान किया था, उन्होंने बताया कि इस बार क्लास 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी, जिससे इस बार टॉपर कौन बनेगा इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।